हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। अभी मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है इससे पहले वीडियो में, उस वीडियो का एंड करने के बाद उसी दिन से मैंने ये वीडियो शुरू कर दिया है। और अभी मैं अभी नहा करके नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे ना बालों में मेहंदी लगवानी है, तो मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर कि बालों में मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि अनुष्का से इतने अच्छे से नहीं लगती है। उस पर ना वो कोशिश तो करती है लेकिन उस पर क्या है कि बाल वगैरह रह जाते हैं, छूट जाते हैं, इसलिए अच्छे से नहीं लग पाती है। तो मैं किसी और से मेहंदी लगवाऊँगी, इसीलिए ना मैं अभी नहा करके नहीं आई हूँ क्योंकि पहले बालों में मेहंदी लग जाए उसके बाद ही नहा करके आऊँगी। इसलिए वरना तो मैं अब तक नहाकर आ जाती, पूजा वगैरह सब कुछ कर देती। वैसे मैंने कान्हा जी को नहला दिया है, कान्हा जी नहा करके बैठे हुए हैं क्योंकि अनुष्का नहा ली है, तो अनुष्का से ही मैंने कान्हा जी को नहलवा दिया है और उनका मक्खन वाला भोग वगैरह लगा दिया है। तो अभी मैं जाऊंगी अपना बैग पैक करने के लिए, और ये पैकिंग कहाँ के लिए चल रही है वो भी आपको आगे आगे पता चल जाएगा। अनुष्का उधर अपना लगी हुई है, जो भी कपड़े उसे ले जाने हैं और जो रखने हैं वो उधर उस काम को कर रही है, और मैं भी करूँगी अभी क्योंकि मुझे भी अपने कपड़े रखने हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े ना हो, बहुत ज़्यादा हिसाब से ही जाएं तो ही ठीक रहता है ना, फिर बैग इतना बड़ा हो जाए तो उसमें भी फिर वो हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अभी देखूँगी अपने आप, पहले मेहंदी लगवाऊँगी, मेहंदी लगवाने के बाद बैग पैकिंग करूँगी, क्योंकि इतने मैं अपना काम करूँगी इतने मेरी मेहंदी सूख जाएगी, फिर मैं धो लूँगी क्योंकि टाइम भी फिर ज़्यादा हो जाएगा। खाना वगैरह भी खाना है, पूजा भी करनी है। यहाँ पर प्रेस करी थी तो प्रेस रखी हुई है, अभी इसको अंदर रखूँगी। लाइट चली गई है, अब लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है, और वैसे भी इस टाइम लाइट चली ही जाती है। तो चलिए आगे करते हैं काम, बने रहिए वीडियो में। तो गाइज मेहंदी वगैरह मैंने लगा ली है, और मेहंदी लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने बालों को कंघी कर रही हूँ क्योंकि ना बाल बहुत ज़्यादा इलझ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने काफ़ी दिनों बाद मेहंदी लगाई है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद बाल मेरे हो रहे थे, बहुत दिनों से सोच रही थी पर नहीं लग पाई, और शायद अब भी नहीं लग पाती। अगर मेरा गाँव जाने का वो नहीं होता तो शायद अब भी नहीं लग पाती। मैंने कहा चलो फिर पहले मेहंदी लगाते हैं, आगे से बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, पीछे से तो मेरे बाल इतने सफ़ेद नहीं है, पता नहीं आगे आगे से हो गए हैं। और बाल कंघी करने के बाद फिर सीधा मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर चल रही है खाना बनाने की तैयारी, और भूख भी इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, और आज मुझे लेट भी हो गया था क्योंकि ना बैग वगैरह लगाया था, फिर मैंने मेहंदी वगैरह लगवाई और उसके बाद फिर बाल कंघी किए, और फिर मैंने कहा चलो अब खाना बनाते। वैसे हमने बीच में कुछ खा लिया था लेकिन फिर भी चाहे कितना ही आप कुछ खा लो लेकिन
तब तक आप खाना नहीं खाते हो, पेट नहीं भरता है। तो अभी मैं यहाँ पर लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। सारी चीज़ें तैयार थी, सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकनी थी। तो अब रोटियाँ सेकती हूँ, क्योंकि अनुष्का ना काफ़ी देर से कह रही है मम्मा रोटी दे दो, मम्मा खाना दे दो। तो मैंने कहा चलो अभी बनाती हूँ। और ना मैं गीले बाल इसलिए सुलझा लेती हूँ कि फिर ना मुझे सूखे हो जाते हैं ना बाल, फिर मुझसे सुलझते नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा पहले बेटा मुझे बालें सुलझा लेने दो, फिर मैं आपको खाना दे दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने मट्ठा ले लिया है और मैं इसका बनाऊँगी रायता, क्योंकि अनुष्का तो बिल्कुल भी रायते के बगैर खाना नहीं खाती है। इसलिए वैसे ना गर्मियों में तो सभी लेते हैं, एक बार को सर्दी में तो हो भी जाता है कि चलो छोड़ो, लेकिन गर्मियों में तो सबका मन करता है। और मैंने यहाँ पर मट्ठा ले ली है और इसमें नमक डाल लिया है और इधर रख दिया है मैंने इसको गरम करने के लिए। इससे मैं तड़का लगाती हूँ और ये गरम हो गया था घी, और इसमें डाल दिया है जीरा, अच्छे से चटक गया है जीरा। और अब मैंने इसमें मिर्च डाल दी है, क्या है कि मिर्च डाल देते हैं ना तड़के में तो उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है रायते पर। तो अभी मेरा तड़का लगकर हो गया है तैयार, और मैं यहाँ पर अनुष्का से कुछ बातें कर रही थी। अनुष्का बोल रही थी कितना टाइम लगेगा खाने, मैंने कहा बस अब बना देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें नमक है ना, इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ, फिर ना नीचे ही रह जाता है नमक, जैसे कि मैंने इसे तड़का दिया था ना, इससे ही इसको आपस में मैंने मिला दिया है नमक को। अब हो गई है मेरी रोटी बनाने की तैयारी। तवा मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, क्योंकि मैंने ना तवे को काफ़ी देर पहले ही रख दिया था, तो तवा भी गर्म हो गया है। मैंने कहा चलो अब फटाफट से रोटियाँ सेकते हैं और अनुष्का को देते हैं, क्योंकि अनुष्का बार बार आ रही है किचन में, उसको शायद तेज़ भूख लग रही है। तो खाना वगैरह खाने के बाद फाइनली अब हो रहे हैं हम तैयार जाने के लिए, और मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। इसका कलर ना यहाँ पर इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, क्योंकि ना इतना वो पर्दे वगैरह लग रहे थे तो उससे रोशनी कम आ रही थी, इसलिए वैसे मैंने लाइट भी जला रखी थी लेकिन नहीं आ पा रहा था क्लियर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना ये सूट मैंने पहली बार पहना, ये सूट मुझे बहुत टाइट सा भी आ रहा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको अभी ढीला कर लूँ या फिर इसको खोल लूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए पहनना है, जा करके दूसरा वाला सूट पहन लेंगे। तो अभी मैंने ये पहना है पीला सूट, और यहाँ पर मैं कंगन वगैरह पहन रही थी और बिंदी वगैरह लगा रही थी, और भैया बोल रहे थे कि जल्दी करो, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था, बोल रहे थे मुझे कुछ काम है जल्दी करिए। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी तैयार भी हो रहे थे, और आप खुशी देख सकते हो, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा। और मायके जाने की खुशी ना अलग ही होती है, आप समझ सकते हो।
यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने ये वाले चुकटी बिछुए जो भी आप बोलते हो वो वाले पहने हैं, और ये वाली मैंने जूती ले ली हैं, और अभी बिल्कुल हम रेडी हो गए हैं और बस अब निकलने ही वाले हैं। और अनुष्का यहाँ पर बैठी है, और अनुष्का को ना बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि हम किस टाइम निकले, किस टाइम, बहुत ज़्यादा इसे। और ये तो ना जब मामा जी का इसके का फ़ोन आया था कि बस हम आने ही वाले हैं, थोड़ी दूरी पर हैं, इसने ना तुरंत से कपड़े पहन लिए। इसे बहुत जल्दी हो रही थी जाने की, और ये मुझसे बार बार कह रही थी कि मम्मा जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा हाँ बेटा हो तो रही हूँ, और ना हमारा क्या है कि हमें बहुत सारे काम भी देखने पड़ते हैं घर के। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे की तरह हम तैयार हुए और चल दिए बैठकर, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किचन का भी और सारे ही काम। तो मैं वो वाले काम देख रही थी जिसकी वजह से, और अनुष्का बोल रही तुम पे तो तैयार ही नहीं हुआ जाता है, ऐसा कुछ बोल रही थी यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो बाबू चलते हैं, आप नाराज मत हो, अभी चलते हैं। तो हम घर से निकल गए हैं, और अभी हम ज़्यादा दूरी पर नहीं पहुँचे हैं, अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर हैं, घर से निकले ही हैं ये मान लीजिए। हमारे मतलब गांव के ये खेत वगैरह हैं जहाँ से हम अभी निकल रहे थे, तो अभी हम जा रहे हैं, और मैंने सोचा चलो आपके साथ ना शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रही थी, और भाई चला रहे थे गाड़ी और बातें कर रहे थे हमसे। तो मैं बोल रहे थे कि आपने लेट कर दिया है, आपने लेट कर दिया है। मैं बहुत देर से बोल रहा था कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने कहा कुछ नहीं हो जाता है। और क्योंकि इन्हें थोड़ा जल्दी इसलिए हो रही थी कि अभी हमें ना आगे के लिए भी निकलना है, आगे भी जाना है हमें अभी। और भैया के बेटा जो है छोटा वाला, वो ना बहुत बार फ़ोन कर चुका था कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मुझे बुआ जी को लेने के लिए जाना है। उसको पता नहीं था कि भैया मुझे लेने के लिए आ गए हैं, वैसे तो उसे साथ ही लेकर के आते, वरना क्या है कि इनको कुछ काम था इधर, सुबह ये निकल आए थे जब वो सो रहा था बेटा इनका, तो इसलिए वो नहीं लेकर आ पाए थे। और वैसे भी उन्हें थोड़ा काम था बाहर, तो कहाँ पर लेकर जाते उसे, इसलिए वो घर पर ही छोड़ आए थे। तो अभी उसे इसलिए नहीं बता रहे थे, क्योंकि अगर उसे बता देते कि हम लेकर के आ रहे हैं तो वो ना गुस्सा हो जाता बहुत ज़्यादा। उसको अभी बार बार बहका रहे थे कि ना अभी मैं आ रहा हूँ और फिर बुआ जी को लेने के लिए चलेंगे। और उसने ना मेरे पास भी बहुत बार फ़ोन कर दिए थे कि बुआ जी आप जल्दी से तैयार हो जाना, हम लेने के लिए आएंगे। मैंने कहा ठीक है। वैसे तो मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, पर ये था कि अगर मैं उसको कुछ भी बताती ना तो फिर वो मुझसे ही लड़ने के लिए लग जाता कि आप इनके साथ क्यों आए, मैं लेने के लिए आता। मैंने कहा चलो अभी नहीं बताते हैं, वहाँ पर जाकर ही देखेंगे कि वो क्या करता है ना। तो अभी हम हमारे पास का कस्बा है, हम उससे निकल करके जा रहे थे। अभी ना ये पहला कस्बा पड़ता है हमारे गाँव से, तो हम वहाँ कर अभी जा रहे थे और अब जाएंगे। तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं भैया के घर, थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही दूरी पर हैं। और अभी क्या हुआ था कि ये क्लिप ना आगे मुझे मतलब ऐड करनी थी, जोड़नी थी, लेकिन क्या हुआ कि ये मुझसे पहले ही ऐड हो गई, क्योंकि अभी हम घर पहुंचने वाले हैं और इससे आगे का तो मैंने पहले का और भी वीडियो बनाया था, तो पता नहीं क्या हुआ गलती से ये वाली लग गई इसमें। तो मैंने कहा चलो ये वाली जुड़ गई, चलो रहने देते हैं अब। मैंने कहा बार बार इसकी क्या काटा पीटी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पहुंचने ही वाले हैं, अगर बस थोड़ी सी दूरी पर हैं। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, यहाँ पर ना भैया के यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे देखकर इतना मन खुश होता है कि बहुत ही ज़्यादा है ना। देखिए कितनी अच्छी हरियाली है, ये देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे
और बहुत ही अच्छा लगता है। घर से निकलते ही सामने ही पेड़ पौधे हैं भैया के घर, तो ना देखने में बहुत अच्छा लगता है ये नज़ारा। और हम गेट के अंदर एंट्री कर गए हैं जहाँ पर भैया के सेक्टर वगैरह के लिए जाते हैं उसमें। और ये देखिए आप पेड़ पौधे के नज़ारा देख सकते हो, है ना, ये देखिए आप देखिए। आप कहीं भी ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, ये देखिए। और बस अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं, बस अब घर के लिए ही जा रही है गाड़ी, ये देखिए। और सामने भी देख सकते हो पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, जिसे देख करके ना बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और अब गाड़ी रुकने वाली है, और ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं और गाड़ी खड़ी हो गई है, और ये आ रहा है मेरा भतीजा, ये देखिए दोनों मेरे भतीजे आ गए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए देख करके कि आपने झूठ बोला था बुआ जी को आप लेकर के, नहीं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए। और ये देख कर ना इतने ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा देख करके इनको भी मन खुश हो गया। मैंने कहा चलो ये तो बहुत ज़्यादा समझदारी का काम किया है। और इधर भाभी जी भी हैं जो कि सामान वगैरह लेकर के जा रही हैं, अनुष्का अंदर चली गई है और हम भी अंदर के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी पेड़ पौधे देख सकते हो, और ये कितनी मस्ती कर रहे हैं, ये देखिए ये ना इतने खुश हैं कि ना खुशी के हमारे इन पे रुका नहीं जा रहा, ये लड़ाई करने से लगे हुए हैं, देखिए खुशी के, ये खुशी वाली लड़ाई चल रही है इनकी, आप देख सकते हो।
फाइनली हम अपने भाई के घर पहुंच गए हैं और मेरी बालों की हालत देख सकते हो आप, क्या हालत हो रही है बालों की। अभी थोड़ी देर पहले ही हम घर पर आए हैं, पानी वगैरह हमने पी लिया। बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं कि ना बच्चे खुशी के मारे ना आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं था, मेरे भतीजे जो हैं उनको, कि वो बुआ जी आज आ रही हैं, क्योंकि भैया बता करके नहीं गए थे, वो किसी काम से गए थे हमारी तरफ, तो उधर से ही मुझे लेकर के आ गए, क्योंकि ना आज भी मुझे लेकर के उनको आना था, तो बोले फिर बार बार क्या जाएंगे, अभी इधर हैं तो इधर से ही बच्चों को लेकर, मतलब हमको लेकर के चलते हैं। बच्चे देखिए उधर कितना शोर मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, और पानी वगैरह हमने पी लिया है। रास्ते में ना मैं आपसे बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो अभी जा करके बातें करते हैं। और ये वाला मैंने सूट पहना है, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला सूट मैंने पहना है, और ये वाले पहने हैं मैंने कंगन, ये वाले। और अभी चाय वगैरह पियेंगे, तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन अंदर घर में नहीं लग रही है, ना ही गाड़ी में लग रही थी, लेकिन बाहर अगर आप घूमने के लिए जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी हम बाहर तो नहीं जाएंगे, देखते हैं, अभी आगे का हमारा कुछ और भी प्लान है, तो देखते हैं, अगर वो होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं और नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी चाय वगैरह पीते हैं, उधर भाभी जी किचन में चाय बना रही हैं, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो चाय वगैरह हमने पी ली और बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं इधर। ये देखिए वंशु कहाँ पर है, वंशु कहाँ पर है, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। तो अभी हम सब बैठे हुए हैं और बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। चाय वगैरह हमने सबने पी ली और बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा राहत है। और इसको ना दीप को बहुत ज़्यादा आदत है वीडियो में आने की, जब आपको पता है कि मैं पहले ही बनाती थी तो तब भी ये बहुत ज़्यादा आता था। देखिए ये अपनी बॉडी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा देखो